आज हमारे बीच खरगोन जिले के भीकन गांव स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रेडियोग्राफर भाई मोतीराम जी जाधव हमारे बीच हैं और हमारे आनंद संस्थान में आनंदक के रूप में पंजीकृत आनंदक भी हैं। और इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान भाई जाधव जी पॉजिटिव आए थे और वो इस महामारी से उबर चुके हैं और इसी बीच वो अपने अनुभव आम जनता के लिए शेयर करेंगे। मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा भाई जाधव जी से। जाधव जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्ते, नाम बोलो। मैं मोतीराम जाधव, रेडियो करता। इस महामारी के चलते ड्यूटी के दौरान मैं इस समस्या में आ गया था, लेकिन समय के को देखते हुए मैंने तत्काल मैंने डिसीजन ले लिया कि जब मुझे कुछ बुखार ऐसा कुछ सिम्टम ऐसे आने लग गए तो मैंने तत्काल सोच लिया कि मुझे घर परिवार से अलग हो जाना चाहिए और तत्काल मैंने हॉस्पिटल जाके भर्ती हो गया। और भर्ती होने के बाद में 7 दिन तक मेरा इलाज चला और इलाज के दौरान मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने, मेरे साथियों ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी महामारी में फोन लगाकर हिम्मत देना ये बहुत बड़ी चीज़ है। यह हमें एक एनर्जी देती है, ताकत देती है। और मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सही समय पर सही डिसीजन लेकर उन्होंने मेरा इलाज किया। और मैं और फिर एक सप्ताह के बाद में जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मुझे पता हो गया कि मुझे कोरोना हो गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। क्यों? कि मेरे पीछे मेरा परिवार है। और तत्काल मैंने डिसीजन लिया, सर लोगों से विनती की कि सर कि मेरे परिवार वालों का भी सैंपल ले लिया। और सर लोगों ने मेरी बात को सुनी और मेरे परिवार को क्वारंटाइन किया। और जिन्होंने मेरे साथ थे, मेरे हेल्प की, उनको भी क्वारंटाइन किया और सभी का सैंपल लिया। और सभी का सैंपल लेने के बाद में उनका रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, इस 14 दिन के भीतर आपका जो इलाज हॉस्पिटल में चला, वहाँ पर आपकी किन किन लोगों ने मदद की, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? इन लगभग मैं 22 दिन एडमिट रहा और 22 दिन के बीच में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर सुनील वर्मा सर, डॉक्टर लोधी सर, डॉक्टर लक्ष्मण आर्य जिन्होंने मेरा सैंपल लिया था, और डॉक्टर अत्रे सर और समस्त नर्सिंग स्टाफ सभी ने मुझे इतना अच्छा मेरा इलाज किया, इतना अच्छा ध्यान रखा कि उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूँ। मैं एक आम पेशेंट हूँ, जैसे सर्दी खांसी बुखार में मैं टाइफाइड में जैसा आम पेशेंट रहता है, उन्होंने वैसा ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरे को छुआछूत, ऐसा कोई उन्होंने व्यवहार नहीं किया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूँकि सर आप कोरोना पॉजिटिव से उभर चुके हैं, आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी आपको ऐसा सिम्टम्स आपको आए, सर्दी खांसी, आपको कभी घबराना नहीं है। आपको तत्काल हॉस्पिटल जाना है और आपको हॉस्पिटल जाकर जांच करवाना है। जो भी आपके समस्या है उसको छुपाना नहीं है, आपको डॉक्टर के सामने आपको बातें शेयर करना है और तत्काल, ताकि समय पे इलाज हो जाएगा तो आपके साथ में आपका पूरा परिवार बच जाएगा। और आम आदमी के यदि कोई भी आपका परिवार से कोई भी रिलेटिव ऐसा है, उसको कोरोना ऐसा रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो आप फ़ोन लगाकर उसको आपको हिम्मत दो, आप उनका उनका हिस्सा बनो, उनके दुख का हिस्सा बनो और उनको हिम्मत दो कि आप घबराओ मत, आप सिर्फ आपका इलाज कराओ, आप घबराओ मत, आपके परिवार के हम साथ हैं। सर आपके इस दौरान आपके यहाँ पर सफाई कर्मी, आपको भोजन खिलाने वाले तमाम लोगों के प्रति आपके भाव कैसे हो रहे हैं, क्या उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उनके प्रति धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तो
बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, क्यों जो सफाई कर्मी रहता है वो, हम तो एक कोरोना पेशेंट का नाम सुनते ही डरते हैं, कोई कोरोना पेशेंट है तो नाम सुनते ही डरते हैं, लेकिन उन लोगों को सोचो जो रात दिन उन पेशेंट के साथ में काम करता है, उनके यहाँ साफ सफाई करता है, वो केमिकल का छिड़काव करता है, अपने हाथों से मेडिसिन देते हैं वो, और खाना खाने के लिए आवाज़ देते हैं कि मोतीराम भैया खाना खा लो, चाय ले लो, दूध ले लो, और इतना उनका इतना बड़ा दिल है कि आप 2 गिलास लो, 3 गिलास लो, आपको जितना चाहे उतना ले लो। सर आपके परिवार के लोग भी पॉजिटिव हुए थे उनके प्रति, थोड़ा सा बताएं। मेरे परिवार में मेरी मम्मी और मेरी मिसेस हुए थे, और लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरी मम्मी 65 साल की है, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती है, लेकिन उन्होंने कहा जब एडमिट होके हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने कहा कि मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दी मुझे, और मैं मेरे साथ में स्टाफ, मेडिकल स्टाफ से, भीगनगांव स्टाफ से, भीगनगांव का पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास मेरे चाहने वाले मेरे सामाजिक मूवमेंट के साथियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जय भाई। ये हमारे मित्र भाई मोतीराम जी यादव, और जिन्होंने इस महामारी से उबर चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन को सामान्य जीवन के साथ जोड़ करके यहाँ पर रेडियोग्राफर पर रहते रहते हुए कई लोगों की मदद की, लोगों के इलाज कर रहे हैं, और वापस वो इस लोगों के इलाज के लिए वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, और यहाँ पर सामान्य जनजीवन के साथ वो काम कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज ये संदेश देने का प्रयास किया कि कोरोना पॉजिटिव से घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बचाव ही उसका उपाय है। इस विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।